राम राम। देखिए देवता भी क्या कहते हैं रामचरितमानस में, हम देवता परम अधिकारी विषय वश्य प्रभु भक्ति विसारी, कि ऐसे भोगों में हम देवता लोग परम अधिकारी थे आपकी भक्ति के, लेकिन विषयों के वश में होकर आपकी भक्ति को भूल गए। हम देवता परम दुख पायो, परम दुख, परम एक तो होता है दुख और एक होता है परम दुख, उस परम दुख से देवता भी आक्रांत हैं, दुखी हैं, देवता भी विषयों के वश में हैं। यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो विषयों की सेवा ही हुई, फिर धर्म की तो सेवा हुई ही नहीं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिये सुजीवन माहुरु मीचु, सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। अर्थात ये है इसका कि विधाता का प्रपंच गुण और अवगुणों से सना है। जो ब्रह्मा जी का प्रपंच क्या है, पाप और पुण्य, सुजाति और कुजाति, सुंदर जीवन, अमृत और जहरीला जीवन, मृत्यु, स्वर्ग और नरक, यह है सब विधाता का प्रपंच है। स्वर्ग और स्वर्ग निवासी देवता प्रपंच ही माने जाते हैं। अब मैं लोग बोलेंगे कि बाबा पागल हो गया है कि ये देवताओं के खिलाफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भगवान की शरण में हूँ और मेरे से संबंधित मैं सबको, चाहे घसीटना पड़े आप लोगों को, मैं घसीट के ही भगवान की शरण में ले जाऊंगा, लेकिन मैं ले जरूर जाऊंगा। शास्त्रों में आप्त काम महापुरुषों ने इसी काम विभाजन किया था, यदि आप देवताओं की पूजा करते हैं तो प्रपंच की ही पूजा कर रहे हैं। यह इसी संसार के गुण दोषों का चित्रण मात्र है, संसार से अलग ना कोई देवता है और ना ही कोई स्वर्ग है। इसीलिए भगवान से अलग कोई नहीं और परमात्मा की शरण में अगर हम हैं तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि हमारा कल्याण निश्चित है। आप जानते होंगे कई प्रकार की कथाएं सुनते हैं कि गरुड़ को भी मोह हो गया था और वह ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि गरुड़ को तो मैंने बनाया, भगवान की माया ने जब स्वयं मुझ तक को अनेकों बार नचाया, तब पक्षीराज को मोह होना कोई आश्चर्य की बात तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए विपुल बार यही मोह नचावा, बहुत बार ब्रह्मा जी कह रहे मुझे बहुत बार नचाया भगवान की माया ने। तो देवताओं के पितामह ब्रह्मा ही जहां नाच रहे हैं तो देवता आपको माया से बचा कैसे लेंगे, वो सोचिए। तो इसलिए शरणागति, शरणागति भगवान की, हे भगवान मैं आपकी शरण हूँ, हे नारायण मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, हे प्रभु आप दयालु हैं दया करो, हे नारायण आप कृपालु हैं कृपा करो, हरिओम। बस आज इतना ही, राम राम, राम राम। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि प्राप्स्यसि शाश्वतम्, हे अर्जुन तुम भगवान की शरण में जाओगे तो उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, हमेशा नित्य है, सदैव है। अतः परमात्मा के शोध स्थली, शोध की स्थली हृदय देश है, जो हमारा हृदय है वो परमात्मा की के शोध की स्थली हृदय देश माना गया, बाहर कहीं नहीं है। किंतु समस्या तो ये है कि वह हृदयस्थ, हृदयस्थ ईश्वर आरंभ में दिखाई नहीं देता। हृदय वाले ईश्वर की शरण जाएं तो कैसे जाएं? तो अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन गोपनीय से भी अति गोपनीय एक बात और मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुन भला वह गोपनीय बात है क्या। अब सुनिए, देखिए गीता जी में कितना स्पष्ट कर दिया है। कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु, मामे विश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्जुन तू मेरे में अनन्य मन वाला हो, हे अर्जुन तू मेरे में अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, विश्वास रख और प्यार कर, मेरे को नमन कर, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर, जो मैंने कर्म निर्दिष्ट किए हैं, बताए हैं, उन कर्मों को कर, ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। कितनी अच्छी बात भगवान बोल रहे हैं, उसके बाद भी हम क्या कर बैठते हैं। भगवान की शरण सच्ची में सारे दुखों का नाश करती है और
परम शांति प्रदान होती है। जय श्री कृष्ण, राम राम, राम जय श्री बद्री विशाल, राम राम। जब मन अशांत होता है इसका मतलब है कोई कामना है, कोई इच्छाएं हैं जो पूर्ति में बाधा पड़ रही हैं, और या फिर किसी शब्दों की वजह से परेशान होता है व्यक्ति जो बोले जाते हैं और वो हमारे साथ मैच नहीं करते, ऐसा होता है। तो इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल किया जाता है कि जब ये नहीं आए थे शब्द या नहीं इच्छा पूरी करने की भावना हुई थी तो तब भी जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था और बाद में भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसलिए इसमें हम उलझे से रहते हैं बीच में। इसका पूरा ख्याल रखना साधना यही होती है। साधना का मतलब यही है, जैसे बोलते हैं ना ध्यान रखना, ध्यान रखना का मतलब यही होता है कि कहीं उलझ नहीं जाना। और अशांत हम इसी वजह से होते हैं कि जब हमारी कुछ कामनाएं अधूरी रह जाती हैं, इच्छाएं नहीं होती हैं, कोई काम पूरा नहीं हुआ, जा मन अशांत अपने आप ऐसे भी हो जाता है कि शरीर अस्वस्थ रहता है, बुझा बुझा सा रहता है, थकावट होती है, कुछ शरीर में कुछ कमियां होने लगती हैं, इस वजह से भी परेशानी आती है। लेकिन खैर ये प्रकृति के नियम हैं। बाकी कुछ जो हमारे उधेड़ बुन हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, जो लालच हैं, लोभ हैं, इनकी पूर्ति के लिए जब हम अग्रसर होते हैं और बाधक बनती हैं कुछ वस्तुएं, कुछ बातें, तो फिर व्यक्ति का मन अशांत होता है। तो इसमें ध्यान रखें, याद रखें, हम लोग अच्छा लगेगा आपको, हम लोग सारे जो है ना देवभूमि के वासी हैं। आपको मालूम है हरिद्वार से जब हम लोग सारी दुनिया जब चलती है ऊपर बद्रीनाथ जी की तरफ यात्रा करते हैं तो बोलते हैं देव भूमि में आपका स्वागत है, तो हम लोग तो देवता हुए तो हमें काहे का कोई अशांत कर सकता है जहाँ हमारा मन अप्रसन्न हो सकता है, नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं, कभी नहीं। इसीलिए हम लोग भू वैकुंठ में रहते हैं और हम लोग देवता हुए तो हमारे को कोई अप्रसन्न नहीं कर सकता, हमारा मन कभी अशांत नहीं रह सकता है। हम लोग शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। उस महाप्रभु, उस भगवान की श्री चरणों में हम लोगों का वास है, हम लोग निवास करते हैं, फिर हमें कोई अप्रसन्न जा हमारा मन अशांत कैसे रह सकता है। इसका पूरा ध्यान रखना, ख्याल रखना। आप बहुत समझदार हैं और सौभाग्यशाली भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय बद्री विशाल। अपना ख्याल रखें।